और प्रयागराज के पौश इलाके सिविल लाइंस के चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सिविल लाइंस के हॉट स्टार चौराहे पर कुंभ मेले के समय खूबसूरत चौराहा सजाया गया था। इस खूबसूरत चौराहे पर कमल के फूल को खिलता हुआ दिखाया गया और अब आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस चौराहे पर कमल के फूल को किसी भी तरह से ढका नहीं गया, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। हालांकि अब ऐसी खबर है कि विपक्ष की शिकायत पर चुनाव आयोग संज्ञान में लेकर कमल के फूलों को पॉलिथीन से ढकने का काम शुरू करवा रहा है। देखिए विरोधी तो विरोधी कमल को एक्चुअली कमल को उनके दिमाग में सिर्फ वो एक फूल और फूल के नाते से चुनाव चिन्ह और चुनाव चिन्ह के नाते से एक भय होता है। तो कमल की स्थापना तो आदिकाल से हुई है, चाहे माँ सरस्वती का कमल हो, और कमल तो ब्रह्मा जी का भी कमल था और वो हमेशा हर जगह रहा है। चाहे किसी मंदिर में चले जाइए, किसी धार्मिक स्थल के ऊपर चले जाइए, किसी सामाजिक स्थल के ऊपर चले जाइए, कमल तो हमेशा रहा ही रहा है। अब आजकल उनको कमल से कुछ ज़्यादा डर लग रहा है, ये उनका व्यक्तिगत मानसिक स्थिति बयान करते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आप देख रहे हैं इलाहाबाद के कई चौराहों, प्रयागराज के कई चौराहों पर ये कमल के फूल खिलाए गए हैं। आचार संहिता लग गई है और पता था कि चुनाव आने वाला है, उससे कुछ दिन पहले ही चौराहे बनाए जा रहे थे, तो आखिर क्यों ये कमल के फूल के चौराहे बनाए गए हैं? ये तो आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। चुनाव आयोग को चाहिए कि जहाँ पर भी ये फूल के चौराहे बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिस भी जगहों पर, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। चुनाव आयोग इस पर सरकार को नोटिस भेजे। आपको पता होगा कि जगह जगह पर हाथी को ढका जा रहा है, तो ये कमल क्यों खिले जा रहे हैं? घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।